आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएसई क्लास 12 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर दो बातें कही गई हैं, जो कि स्कूल के प्रिंसिपलों को एड्रेस किए गए रिजल्ट के पहले के इस प्री कैलकुलेशन में बताया गया है कि बेस्ट मार्क्स गारंटीड टू दोज स्टूडेंट हु मस्ट हैव देयर ऑल आंसर इन प्रीडोमिनेंस वे रिटेन। साफ साफ ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि उन स्टूडेंट के मार्क्स सबसे अच्छे आने वाले हैं जिन्होंने की सिलेबस के पैटर्न और सीआईएससी के नॉर्म्स के हिसाब से अपने आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यह हो गया कि यदि स्टूडेंट ने अपने आंसर को लिखा है और आंसर को लिखते समय उन्हीं पॉइंट और फैक्ट्स पर कंसंट्रेट किया है जिन आंसरों को सीआईएससी ने एक्सपेक्ट किया था, क्वेश्चन में साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और उस हिसाब से लिखा था, उनको बेस्ट मार्क्स गारंटीड है। सीआईएससी ने दूसरी बात बोली है कि कोई स्टूडेंट फेल इस साल नहीं करने जा रहा है, लेकिन फेल न करने का क्या मतलब है? इसके पीछे पेच है कि सभी पास कर जाएंगे, क्या सभी को फुल मार्क्स मिल जाएंगे? तो ऐसी बात नहीं है। यहां पर कहा गया है कि जिस तरह से बेस्ट मार्क्स के लिए स्टूडेंट को उनके सभी क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वे 97% ऑनवर्ड पर कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए यहां पर स्टूडेंट के उनके प्रिपरेशन कैसे रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्री बोर्ड में क्या मार्क्स रहेंगे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चंस के सभी आंसर को सही नॉर्म्स के हिसाब से लिखा होगा तो सभी एग्जामिनर इवेलुएटर सुपरवाइजर थे जो कि उनके मार्क्स को सही ढंग से देने के लिए बाध्य हैं और यही हुआ है 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के प्रोडक्शन से ठीक पहले के प्री जो सेमिनार होते हैं जिसमें देश भर के सेलेक्टेड स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बातचीत होती है और उसके जो कुछ इनपुट्स निकल के आए, हालांकि ये बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है और किसी को पता नहीं चलते हैं, लेकिन जो बातें कुछ कुछ सुनी गई, कई कई स्कूलों के प्रिंसिपलों ने बताया है कि स्टूडेंट के रिजल्ट कैसे आने होंगे, या फिर अगर स्टूडेंट के रिजल्ट आने में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या टीचरों को तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आप इन सब मार्क्स को ध्यान में रखते हुए तैयार रहिए। और दूसरी बात बोली गई है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स लोअर आते हैं तो भी उन्हें फेल नहीं किया जाएगा, बशर्ते यहां पर एक कंडीशन है, इफ, मैं दोनों में बेस्ट मार्क्स गारंटीड इफ और पास और फेल के चक्कर वाले में भी इफ कहा गया है। कहा गया है कि स्टूडेंट ने अगर अपने क्वेश्चंस के यथोचित आंसर, यथोचित मतलब जो फेयर हो सके, दिए हैं, कॉपी खुला छोड़ के आया, उसको कैसे पास कर दिया जाएगा? यदि केवल उल जलूल या क्वेश्चंस को ही उतार करके आया तो कैसे पास कर दिया जाएगा? वहां पर कहा गया कि यदि स्टूडेंट ने मोर देन इनफ और सिक्योर मार्क्स देने की कोशिश होती है, लेकिन अगर अटेम्प्ट सही ढंग से किया गया हो तो यहां पर सही ढंग से अटेम्प्ट का मतलब है कि स्टूडेंट अगर सारे ऑब्जेक्टिव को टच किया हो और सब्जेक्टिव में भी 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब कि 3 मार्कर्स को बनाया हो, 2 मार्कर्स को बनाया हो, तो वहां पर ऐसे स्टूडेंट पास कर जाएंगे और इस बार ग्रेडिंग का इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें। बाय।